दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में CNG के दामों में बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि रविवार यानी आज से बढ़ी हुई कीमतें लागू हो जाएंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में शिवसेना की एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने BJP और RSS पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने RSS पर हमला बोलते हुए कहा कि RSS की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के दौरान मिली मगरमच्छ की मूर्ति इतनी खूबसूरत थी कि काफी देर तक सभी एकटक उसे देखते ही रह गए। इससे एक बात साफ होती है कि उस समय के कारीगरों की कलाकारी बहुत उच्च दर्जे की थी। इसके साथ सर्वे में मंदिरों के टूटे हुए शिखर के काफी टुकड़े भी मिले। दिल्ली के मुंडका इलाके में आग की घटना में मारे गए 27 लोगों में से अब तक सिर्फ 8 लोगों की पहचान हुई है। प्रशासन की तरफ से नाम जारी किए गए हैं। के नरेला इलाके में 24 घंटे के अंदर आग लगने की दूसरी घटना सामने आई है। यहाँ एक प्लास्टिक दाने की फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 22 गाड़ियाँ आग पर काबू पाने के लिए जुट गई और अभी तक किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि राजधानी के सभी मौसम केंद्रों में दिन में लू दर्ज की गई। मौसम विभाग ने रविवार यानी आज लू के थपेड़ों के और बिगड़ने का अनुमान जताया है। न्यूयॉर्क के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने बताया कि बफेलो के टॉप्स फ्रेंडली मार्केट में हुई गोलाबारी में कम से कम 10 लोग मारे गए। एंड्रयू साइमन से कार का टाउन्सविले के करीब 50 किलोमीटर दूर एक्सीडेंट हुआ। मौके पर पहुंचे पैरामेडिक्स दिग्गज क्रिकेटर की जान नहीं बचा सके। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 54 रन की एक तरफा जीत हासिल की। कोलकाता ने 177 के स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव किया और हैदराबाद की टीम को 123 रन पर ही रोक दिया। सरकारू वारी पट्टा ने महज 2 दिन में 100 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। कोरोना काल के बाद ये तीसरी भारतीय फिल्म है जिसने ये आंकड़ा इतनी जल्दी पार किया है। इससे पहले दोनों ही फिल्में साउथ की RRR और KGF 2 है।